गुरुजी के चरणों में मेरा प्रणाम है। गुरुजी के साथ मेरा जुड़ाव नवंबर 2021 से है, जब मैं पहली बार यहीं पर इसी संडे सत्संग में आया था। जब मैं आया था तो मेरे मन में बहुत सारे द्वंद्व चलते रहते थे, बहुत सारी परेशानियां जैसी मैं जो महसूस होती थी। हालांकि ज़िंदगी में ऐसा कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं थी मुझे, क्योंकि मेरे पास ठीक ठाक नौकरी वगैरह सब कुछ है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन फिर भी जाने अनजाने बहुत सारे ऐसे चीज़ें थी जो कि मुझे परेशान करती थी, कोई छोटी चीज़ है वो भी परेशान करने लगती थी, तो मन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन मैं धीरे धीरे जुड़ा रहा मंच पे। हमारे बड़े भाई हैं सीताराम जी, वो लगातार ये बोलते थे, मंच की तरफ से बोलते थे कि आप लोग बस जुड़े रहो। तो मैंने उनकी बात को पकड़ा कि उन्होंने कहा अच्छा जुड़े रहो, तो मैं लगातार आता रहा। ऐसा कोई सत्संग नहीं था जो मैंने छोड़ा हो। उसके बाद नवंबर 2021 में ही पहला एक हमारा जो शिविर था वो हरिद्वार में हुआ, और वहाँ पर अचानक से ही मुझे गुरुजी से मिलने का, व्यक्तिगत भेंट करने का मौका मिल गया। गुरुजी के सामने मैंने अपनी बात रखी तो गुरुजी ने एक ही वाक्य कहा था, उन्होंने कहा कि देख, तू चाहे मुझे गुरु मान ले, साक्षात भगवान मान ले, तेरी हर चीज़ को मैं सही कर दूंगा, बस तू मुझसे जुड़ा रहे, जो कहता जा रहा हूँ वो करता जा। मेरे साथ बस एक ये चीज़ है कि मुझे जो चीज़ कही जाती है मैं उस चीज़ को अच्छे से पालन करने लगता हूँ। मतलब मैं उसको समझ के, जो बोल रहे हैं गुरुजी अगर बोल रहे हैं तो जैसा जैसा वो बोल रहे हैं मैं वैसा वैसा करता गया। अगर उन्होंने कहा कि सुबह अपना ध्यान साधना करनी है तो वो कर रहा हूँ मैं, उन्होंने कहा आनंद से रहना है तो आनंद से रहना सीख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जितनी भी हो सकती है। जो गुरुजी ने कहा उसका पालन करते हुए धीरे धीरे मन में ऐसा भाव आने लगा कि हाँ, जो हम चीज़ों को पहले सोच रहे थे कि ये चीज़ें परेशान कर रही हैं, पता चलने लगा कि वो तो व्यर्थ की चीज़ें थी, वो कोई चीज़ें थी नहीं। हकीकत में वो चीज़ें मुझे परेशान नहीं कर रही थी, मैंने उन चीज़ों को पकड़ रखा था कि तुम आओ मुझे परेशान करो, वो चीज़ें मुझे परेशान नहीं कर रही थी। एक तरह से ऐसा मुझे महसूस होने लगा कि मैंने जाने अनजाने गलती से ही उन चीज़ों को पकड़ रखा है, वो मुझे फालतू में परेशान कर रही हैं। फिर इस साल जनवरी 2022 में मेरी भेंट, हमारे जो भाई तुषार जी हैं उन्होंने गुरुजी से व्यक्तिगत भेंट कराई इसी आश्रम के अंदर ही। एकदम से ऐसा महसूस होने लगा, दृष्टि बदल गई, दृष्टि ऐसे बदल गई कि हर चीज़ अच्छी सी लगने लगी। ऐसा लगने लगा कि मैं जो दिमाग में भार लेकर के चल रहा था वो कहीं उड़ गया है, वो गायब हो गया, मैंने ही पकड़ रखा था, वो एकदम से कहीं से चला गया, गुरुजी के केवल स्पर्श मात्र से ऐसा कुछ चमत्कार सा हो गया। उसके बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं चल नहीं रहा हूँ, मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक इंच ऊपर के ऊपर उठ करके चल रहा हूँ मैं, तो मुझे ऐसा लगता है मैं, मेरे अंदर कोई भार ही नहीं है, मैं फ्री हो गया हूँ, माइंड से फ्री हो गया हूँ, शरीर से फ्री हो गया हूँ, जो हो रहा है ठीक है, अच्छा हो रहा है। उस दिन के बाद से मैंने लगभग गुरुजी के चरणों में आपको बिल्कुल छोड़ दिया है कि जैसा वो चाहेंगे वैसा होता रहेगा, जो उनकी इच्छा है वही भगवान की इच्छा मान करके मैंने छोड़ दिया है। अगर जो अच्छा होगा, मुझे पूरा वैसा विश्वास है कि होगा अच्छा ही, लेकिन जो होगा उनकी इच्छा से होगा, मेरी कोई व्यक्तिगत कोई इच्छा मैंने अपनी अपनी सारी समाप्त कर दी है और गुरुजी के चरणों में रख दी है। धन्यवाद।